भारत की सीमा से सटा एक छोटा सा देश श्रीलंका, जहां इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। हालात इतनी बिगड़ गए हैं कि वहां की जनता भूखे पेट सोने को मजबूर है। महंगाई आलम इतना है कि लोग खाने पीने चीजें तक नहीं खरीद पा रहे हैं। पेट्रोल से महंगा श्रीलंका में इन दिनों दूध मिल रहा है। बता दें, एक कप चाय की कीमत फिलहाल यहाँ 100 रुपये है। इसके अलावा 700 रुपये किलो मिर्च का दाम है। श्रीलंका के अस्पतालों में दवाइयां तक खत्म हो गई हैं, जिसके चलते डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज पर भी रोक लगा दी है। अगर बात फिलहाल के समय में बिजली की करें, तो फ्लू की कमी का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। अब कई शहरों में 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका पर कई देशों का कर्ज है। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। जनवरी में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2.36 अरब डॉलर ही रह गया था, और इसमें लगातार गिरावट हो रही है। आपको बता दें, श्रीलंका की जरूरी सामानों दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। कुकिंग गैस और बिजली की कमी के चलते देश में अभी तक 1000 बेकरी बंद हो गई है और बाकी बंद होने के कगार पर है।